वेलकम टू स्टेपअप आईएएस एडिटोरियल और न्यूज़ डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इम्पोर्टेंट आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, दो बड़े बड़े आर्टिकल झारखंड के चुनाव पर लिखा गया है जो आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके अलावा जो आर्टिकल है वो सिटीजनशिप पर लिखा गया है और ये CAA जो अभी लाया गया है उसमें दो आर्टिकल है। एक तो जुडिशरी को पॉइंट आउट किया गया है, जहाँ पर आपको मैं यहीं पर डिस्कस कर देती हूँ, आप उसको पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल राइट्स वगैरह को वहाँ पर एम्फेसाइज किया गया है कि जुडिशरी को आगे आना चाहिए, अगर उन तक अपील जाती है तो उनको अपने अधिकारों को का इस्तेमाल करना चाहिए इस पूरे एक्ट की वैलिडिटी को चेक करने में, या इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज़ हैं उनको चेक करने में उनको आगे आना चाहिए, जबकि अभी जुडिशरी की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है और उसी को वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। दूसरा आर्टिकल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज, जिसमें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया गया है कि सिटीजनशिप एक्ट लाने के पीछे क्या उद्देश्य है और क्या कारण है। एक आर्टिकल IR पे है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सी राजामोहन का आर्टिकल है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ आंसर राइटिंग के लिए आपको क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, वेन पॉलिटिक्स हर्ट्स डिप्लोमेसी। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। अभी हाल ही में लास्ट वीक कुआलालंपुर में इस्लामिक समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, कुछ लोग पहुँचे कुछ लोग नहीं पहुँचे। तो जो नहीं पहुँचे उनका ये मानना है कि इस्लामिक समिट जो है, या इस तरीके का अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाना या अलग एक मीटिंग अलग ग्रुप बनाना OIC को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर सकता है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे इस्लामिक स्टेट है जिसने कि पार्टिसिपेट नहीं किया इस इस्लामिक समिट में जो कि कुआलालंपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑब्वियसली यहाँ पर सॉलिडारिटी को फोकस किया जाता है, रिलीजन के मामले में एक रिलीजन होगा तो सॉलिडारिटी ज़्यादा होगी, इसी उद्देश्य पर इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो मुस्लिम वर्ल्ड हैं उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए यहाँ पर लोग एक साथ आए थे इस समिट में। देखिए, मलेशिया टर्की कतर इस समिट में खास तौर पर थे, लेकिन वहीं सऊदी अरबिया इजिप्ट UAE ने पार्टिसिपेट नहीं किया। पहले ये बात थी कि पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट करने वाला था, लेकिन चूंकि कुछ प्रेशर आ गया लास्ट मिनट पर पाकिस्तान पर, इसलिए पाकिस्तान ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना सही नहीं समझा। एंड अब यहाँ पर बात उठती है OIC के रेलेवेंस की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो बना हुआ है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा ग्रुप आप मान सकते हैं, उसको समहाउ दबाया जा सकता है, ये डर है। अभी जो रिसेंट समिट हो रहा है उसको, उस पर ना जाने का लोगों का सबसे बड़ा डर यही है। तो जैसे कतर वगैरह है वो इसको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, मलेशिया का भी ये कहना है कि जो वहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी मीटिंग उसमें यही बातें कही गई कि OIC जो है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है समहाउ, और इसलिए एक नए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पर सभी इस्लामिक स्टेट एकजुट हो पाएँ और नए नए आइडियाज़ को ला पाएँ, ताकि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उन जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके अदर जगह पर जहाँ पर वो माइनॉरिटीज़ में हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अदर स्टेट हैं वो इस बात से सहमत नहीं हैं। तो आर्टिकल में और भी बहुत सारी चीज़ों को भी वहाँ पर डिस्कस किया गया है कि ये जो सॉलिडारिटी को हम किसी एक पर्टिकुलर टर्म में लाने की कोशिश करते हैं, कोई रिलीजन के टर्म में इस पर फोकस करता है, तो कोई कोई रीज़न के टर्म में कि अगर सारे अरबियन कंट्रीज़ हैं तो उनको एक साथ आना चाहिए, किसी को लगता है कि सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं तो उनको एक साथ आना चाहिए, किसी को लगता है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है तो उनको एक साथ आना चाहिए, ये बहुत दिन तक चल नहीं पाता। और इसके एग्जाम्पल्स कई सारे देखे गए हैं जब अदर फैक्टर्स सामने आते हैं, और आजकल के समय में जहाँ पर इकोनॉमी सबसे बड़ा इशू है, या आप कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का एरा है, इसमें ये जो पर्टिकुलर टर्म्स हैं ये एक एकजुटता को लाने में कई बार सफल नहीं हो पाते हैं। और बात पाकिस्तान की करें तो उनका रिलेशन टर्की और मलेशिया दोनों के साथ ही बहुत अच्छा है, और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि इस समिट में जो कुआलालंपुर में भी समिट हुआ है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए भी, याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि वो इसमें अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छा रोल प्ले करेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे चूंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत हद तक सऊदी वगैरह पे रिलाई करती है, और इस वजह से वो इस चीज़ को ज्वाइन नहीं कर पाए। इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए भी इस्लामिक वर्ल्ड
काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है। अब इसमें ओआईसी की बात करें तो अभी इंडिया का एक अच्छा प्लेस देखा जा सकता है ओआईसी में, जो कॉपरेशन है ओआईसीज के साथ, उन कंट्रीज के साथ, वो इंडिया का बहुत बढ़ रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कई सारे ऐसे स्पीच में और ऐसे इवेंट में देखा गया है कि मलेशिया के साथ अभी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है इंडिया का। वहीं पर मलेशिया और टर्की जो प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट है भारत में, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके स्टेप्स को सही नहीं मान रहे हैं। दूसरी तरफ जो अदर रिपोर्टिंग्स बताते हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स हैं या अदर टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पर भी इंडिया के सपोर्ट में बात नहीं की जाती है। तो इंडिया के लिए एक अलग से चैलेंज है कि अगर उन्होंने अपने पॉलिसीज़ को पर फोकस नहीं किया या फिर इन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन पर फोकस नहीं किया, तो एक नया चैलेंज उभर करके आएगा और इसका पूरा पूरा फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है। तो इसलिए इंडिया को का जो एक फ्रेंडशिप रिलेशन है मिडिल ईस्ट नेशंस के साथ, कंट्रीज़ के साथ, उसको और एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। और जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी इश्यूज हैं, उसको काउंटर करने की ज़रूरत है इंडिया में, उसको फोकस करने की ज़रूरत है, उसको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पड़ना चाहिए, जो कि समहाउ अभी देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं पड़ भी रहा है। उसी पर आर्टिकल लिखा गया है और इस पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको लिखना है इसको 250 वर्ड में। डिस्कस हाउ द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में इम्पैक्ट इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो इसमें अभी तक जो भी स्टेप्स लिए गए हैं, सिर्फ सिटीजनशिप ही नहीं बल्कि इसके पहले भी NRC है और 370 को हटाने का है, या अदर और जो भी पॉलिसीज अभी लिए गए हैं भारत में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे, उसको आपको लिखना है इसमें। ये जानकारी कोचिंग के बारे में, अभी और आर्टिकल और न्यूज़ हम देखेंगे। इसमें आपको बताया गया कि पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम में एक डिस्काउंट ऑफर है टिल 30th of December, ठीक है। और इसके अलावा जो फुल कोर्स है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, खास करके लड़कियों के लिए। तो आप अप्रोच कर सकते हैं, आप में से जिसको भी ज्वाइन करना हो, क्लासेस, कोचिंग क्लासेस में आना हो, या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करना हो, गाइडेंस के ओवरऑल प्रोग्राम में आना हो, आप अप्रोच कर सकते हैं। आपका जो भी प्रोसेस होता है या जो भी आप जिस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आपको फ़ीस बताई जाती है। डिटेल आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, विच 8750069419। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर। और इस आर्टिकल के माध्यम से कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को एंटी माइनॉरिटी बताया जाता है, या भारत में खास करके, वैसा नहीं है, बल्कि ये जो कुछ हिस्टोरिकल बातें थी या प्रोमिसज थे, वो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल में शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। इनका मानना है कि जब भी हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में दो चीज़ों को, दो इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है। पहला तो है सोशल यूटिलिटी और दूसरा है मॉरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। अब ये जो एक्ट लाया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इंडिया में सेकुलरिज्म की कमी हो गई है और बहुत सारी बातें जो भी आपको देखने को मिल रही हैं अभी। तो इनका मानना है कि जब यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज़ को भारत में आने को कहा जा रहा है और उनको सिटीजनशिप देने की बात कही जा रही है, तो इसमें इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिकॉज इन सारे स्टेट में, ये जो कंट्री हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये इस्लामिक स्टेट हैं। यहाँ पर माइनॉरिटीज़ में आने वाले जो लोग हैं वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन हैं, जिनको कि भारत में सिटीजनशिप देने की बात कही गई है। तो ऐसा क्यों कहा गया है, इसके पीछे ये बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं कि ये पहले, आज पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार भारत में ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं, जब पारसी और ज्यूज़ अपनी जगह से, जब उनको वहाँ पर क्राइसिस आ गई जहाँ पे वो रह रहे थे और उनको रिलीजियस आइडेंटिटी को परस्यू करने नहीं दिया जा रहा था, तब उनके लिए भारत एक ऐसी जगह थी जहाँ पर उनको डिग्निटी मिल रहा था और स्पेस मिल रहा था। तब भारत में बहुत सारे लोगों को शरण दिया गया था, जो पारसी और ज्यूज़ थे। और 1931 का जो सेंसस हुआ था उसमें ये देखा गया कि 1 लाख के करीब पारसी भारत में थे और 24,000 ज्यूज़ लोग इंडिया में रह रहे थे। तो ये इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है, जब माइनॉरिटीज़ को, या जो माइनॉरिटीज़ ऐसे प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी जगह पर, उनको भारत में शरण दी जाती है। तो रिफ्यूजीज़ के लिए एक
एक अच्छा प्लेस शुरू से माना गया है भारत में, और ये बांग्लादेश के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी 2012 में जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये डिमांड किया गया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 का में अमेंड किया जाए और जो बंगाली रिफ्यूजीज हैं उनको सिटीजनशिप दिया जाए, ठीक है, ताकि जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बांग्लादेश में या जिनको समस्याएं आ रही हैं उनको हम यहाँ पर भारत में शरण दे सकें। और इसके लिए कई सारे डाटा इनफैक्ट भी आर्टिकल में लिखे गए हैं कि एक डाटा है वहाँ पर, एक रिपोर्ट में बताया गया था कि हर दिन 634 लोग बांग्लादेश से गायब हो रहे थे। गायब हो रहे थे मतलब उनका डाटा कम हो रहा था। तो और फाइनली ये देखा गया कि 11 मिलियन के करीब लोग बांग्लादेश से बाहर गए हैं, और वो बाहर कहाँ पर आए थे, ऑब्वियसली भारत में आए थे। उसके बाद फिर उनको सिटीजनशिप देने की डिमांड चल रही थी कि आप इनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए। देखिए, जो लोग भारत में आ जाते हैं अगर वो इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पर आए हैं तो उनको यहाँ पर कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं मिल पाते हैं। वो भारत में रह तो रहे होते हैं लेकिन यहाँ के जो सुविधाएं हैं वो उनको नहीं दी जाती हैं। तो जो सिटीजन नहीं है उनको यहाँ के जैसे सोशल बेनिफिट जो भी आते हैं, स्कीम्स आते हैं, वो सब स्कीम्स में उनको नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दिए जाते, एजुकेशन में उनको हेल्प नहीं मिल सकता। तो इसलिए उनकी प्रॉब्लम्स एज इट इज़ रहती हैं, इसलिए उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए उनको सिटीजनशिप देना ज़रूरी होता है, अगर आप सही मायने में उनकी मदद करना चाहते हैं तो। फिर वहीं पाकिस्तान का इशू उठाया गया था कि जब 1950 में पाकिस्तान के साथ और इंडिया का एक पैक्ट हुआ था, उसको नेहरू लियाकत पैक्ट के नाम से जाना जाता है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, और इस पैक्ट में बात ही यही हुई थी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं दोनों देशों में उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे कई सारे जो वेस्टर्न रिपोर्टर्स थे या अदर अदर प्लेटफॉर्म पर ये बताया गया कि पाकिस्तान में रहने वाले जो माइनॉरिटीज़ हैं, तभी जो हिंदूज थे या इवन शेड्यूल कास्ट से आते थे, उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, खास करके महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था। और वो सारी चीज़ें जो है वो स्टिल कंटिन्यूड हैं, ये कुछ रिपोर्ट्स एंड डाटा बताते हैं। 1947 में महात्मा गांधी जी ने भी कहा था द देन गवर्नमेंट को कि वो जो शेड्यूल कास्ट हैं पाकिस्तान में उनको भारत में लेकर के आए, क्योंकि उनको कन्वर्जन के लिए फोर्स किया जाता है। तो तब से लेकर के आज तक ये डिमांड एज इट इज़ थी, तब से लेकर के ये बार बार कहा जा रहा था कि वहाँ से माइनॉरिटीज़ को हटाया जाए, और इसके लिए कई बार गवर्नमेंट से कहा भी गया, बट अभी तक गवर्नमेंट इसके लिए कुछ क्लियर कट काम नहीं कर रही थी। हालांकि और गवर्नमेंट्स ने भी सपोर्ट किया है, हेल्प किया है माइनॉरिटीज़ को, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मलाइजेशन चीज़ों का नहीं हुआ था कि हाँ आप आइए हम आपको सिटीजनशिप देंगे या यहाँ पर आपका अधिकार होगा। तो आर्टिकल का ये मानना है कि ये जो प्रेजेंट स्टेप लिया गया है ये बस वही जो हिस्टोरिकल बातें थी जो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई थी, और इंडिया का एक जो वे है टू हेल्प रिफ्यूजीज उसको ये कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको ही ये परस्यू कर रहे हैं। और इसमें कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं ये कि दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था देश के लिए, और अदर जो लोग आए थे भारत में उनका क्या मानना है। अभी हाल ही में मालदीव के एक लीडर ने कहा, ये आर्टिकल का मानना है कि ये जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये उसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव फैक्ट आपको मिला जिसको आप अपने आंसर में बैलेंस व्यू में लिख सकते हैं, इसमें जो परेशानियाँ हैं उसको भी आप आंसर में लिख सकते हैं, और ये जो पॉजिटिव फैक्ट आपको मिल रहा है उसको भी आप आंसर में लिख सकते हैं। अब न्यूज़ देखते हैं, आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है। टू कट व्हीकुलर पोल्यूशन बाय 2024, दिल्ली गवर्नमेंट ने एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, एयर पोल्यूशन इन द सेंस जो व्हीकल्स से पोल्यूशन निकलता है उसको कम करने के लिए टारगेट किया है 2024 तक पोल्यूशन को कम किया जाएगा, और इसके लिए ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। 5,000 तक ई ऑटोज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से चलने वाले जो ऑटोज हैं उनको एक्वायर किया गया है, और इसमें दिल्ली गवर्नमेंट का मानना है कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगी तो ये जो पॉल्यूशन का लेवल है वो कम होगा। अब ये डाटा आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, व्हीकुलर कितना कंट्रीब्यूशन होता है व्हीकल से पॉल्यूशन में, तो 40% PM2.5 रिलीज होता है, खास करके हम दिल्ली की अगर बात करें तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 40% तक व्हीकुलर
कंट्रीब्यूशन से ही होता है। 80% तक नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दिल्ली की एयर में मिलते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से इसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए टारगेट ये है कि 5 लाख तक ई व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा शहर में, जिससे कि ये जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, दैट 6,000 करोड़ इन ऑयल एंड लिक्विड नेचुरल गैस इम्पोर्ट एंड 4.8 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन विच इज़ इक्विवेलेंट टू अवॉइडिंग CO2 एमिशन फ्रॉम नियरली 1 लाख पेट्रोल कार्स। तो इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और इसी को कम करने की कोशिश की जा रही है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। आगे अगला न्यूज़ देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है, ठीक है, हेल्थ के ऊपर ही है। तो 7 में से 1 इंडियन जो है वो मेंटल डिसऑर्डर से अफेक्टेड होते हैं, ये रिपोर्ट है लैंसेट की, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें लैंसेट की रिपोर्ट में ही बताया गया कि इंडिया में जो मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है वो बढ़ रहा है लगातार। 1990 में ये 4.7 था, लेकिन 1990 में ये 2.5% हुआ करता था, लेकिन ये बढ़ करके 4.7% हो गया है 2017 की रिपोर्ट में। तो ये सारे फाइंडिंग्स इसमें बताए गए हैं। और 7.6 मिलियन पीपल जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, खास करके गोवा, केरला, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश जैसे रीजन में, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं और इसको अर्जेंट नीड है कि इस पर कानून बनाए जाए, इसको प्रोटेक्ट किया जाए, इस पर स्पेशल अटेंशन दिया जाए, ताकि मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें जैसे क्या होता है कई बार कि मेंटल बीमारियां जो होती हैं उसको छुपाया जाता है, और ये पहले भी रिपोर्ट्स में आ चुका है कि इस पर स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, जागरूक करना चाहिए लोगों को कि इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इसको ठीक करने की ज़रूरत होती है, और इसके लिए अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले कर सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ न्यूज़ है ये। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन पेज पर आपने देखा होगा टू टॉक, ये प्रिलिम्स में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इट वॉज़ ए न्यूज़ और ये क्या है या फिर किस जगह से एसोसिएटेड है। टू टॉक जो है ये वैसे तो एक मैसेजिंग ऐप था, ठीक है, चैट या वॉइस कॉलिंग के लिए, जैसे व्हाट्सएप है, स्काइप है, वैसे ही टू टॉक है। और इसको गूगल और एप्पल दोनों ने अपने ऐप स्टोर्स में रखा हुआ था, इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने स्टोर किया था। UAE गवर्नमेंट का, इट इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ UAE, यूनाइटेड अरब एमिरात्स का ये ऐप है टू टॉक। लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज़ में बताया गया कि ये डाटा रिलीज़ हुआ है इंटेलिजेंस के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट इंटेलिजेंस के द्वारा, कि ये स्पाइंग टूल की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये एक सोशल ऐप कम और स्पाइंग टूल ज़्यादा था गवर्नमेंट के लिए, और इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ऑब्वियसली मिडल ईस्ट में किया जा रहा था, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पर ये अभी बताया गया है कि एक स्पाइंग टूल की तरह वर्क कर रहा है टू टॉक। जहाँ जहाँ पर व्हाट्सएप वगैरह बैन है वहाँ पर ये टू टॉक काफ़ी ज़्यादा चलन में था। तो याद रखिएगा क्या है ये, एक सोशल ऐप है, मैसेजिंग ऐप है, चैट वॉइस कॉलिंग ऐप है, और इस पर क्या आरोप है कि ये स्पाइंग टूल की तरह काम कर रहा था, UAE से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बेसिक फैक्ट याद रखना है। और आज के लिए इतना ही, देखिए आपको PDF इस चैनल पर मिलेगा, ये टेलीग्राम चैनल है @StepUpIAS, आप जाके इसको ज्वाइन करिए, यहाँ पर अभी तक के सारे PDF अपलोडेड हैं, और अभी जो और ये हैं PDFs हैं वो वहीं पर अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप स्टार्टिंग।